नमस्कार दोस्तों सी एस वी हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं आपको ए जी एस ओंगो वाइट लेवल ए के बारे में कि ए जी एस ओंगो का वाइट लेवल ए आप कैसे इंस्टॉल करेंगे कैसे अपने प्लेस पे अपने शॉप पे लगाएंगे और साथ ही साथ क्या लगेगी इसकी कॉस्टिंग कितना मिलेगा आपको कमीशन क्या क्या इसमें फीचर्स कौन कौन से इसमें हो गए काम सारी चीज़ें एक एक करके इन डिटेल्स में तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले बता दूँ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस एड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा कि मैं जो भी वीडियो दिलाऊँ उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक तो अब चलिए बात कर लेते हैं औंगो वाइट लेवल ए के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कौन कौन से इसमें स्पेशल इस फीचर्स है जो दूसरे ए से इसे अलग करती हैं तो इसमें है कि कैश विड्रॉल है विथ कैश डिपॉजिट है कैश विड्रॉल तो कोई भी एटीएम मशीन जो है कैश का विड्रॉल का काम करती है जहाँ से आप एटीएम कार्ड ला के पैसा विड्रॉल कर लेते हैं लेकिन बहुत कम ऐसी मशीनें होती है जहाँ पे कैश डिपॉजिट का काम होता है तो ये एक ए मशीन है जहाँ पर कैश विड्रॉल भी होगा एज वेल एज़ कैश डिपॉजिट भी होगा जी हाँ कैश डिपॉजिट की बात करें तो हम यहाँ पे कौन कौन से बैंक हैं जिनका यहाँ पे कैश डिपॉजिट होगा या इंस्टेंट कैश डिपॉजिट यहाँ पे लाइव है या सपोर्ट करता है तो वो है कैनरा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आंध्रा बैंक यस बैंक श्री वासवंबा कोऑपरेटिव बैंक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक साउथ इंडियन बैंक कुल्लूर कोऑपरेटिव बैंक क्रांति कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक एपी राजेश्वरी कोऑपरेटिव बैंक कुरला नागरिक बैंक पुचाम्पल्ली कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ये सारी बैंकिंग बैंक बैंक हैं जो यहाँ पे इंस्टेंट कैश डिपॉजिट फ़िलहाल सपोर्ट करती हैं अगर आज के डेट में कोई बंदा अगर एसबीआई के एक्सिस का एटीएम कार्ड ले आ कर यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहे कैश डिपॉजिट करना चाहे तो आज की तारीख में वो संभव नहीं है पॉसिबल नहीं है व्हाइट लेवल ए क्या होता है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है लिंक ऊपर आई बटन पर आपको दिख रहा होगा या वीडियो खत्म होते ही इंड स्क्रीन पे आ जाएगा वहाँ से जाके आप डिटेल व्हाइट लेवल ए के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो यहाँ पर ए मशीन जो है कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वी सैड कनेक्टिविटी कंपनी का पार्ट होगा यूपीएस बैटरी वगैरह कंपनी आपको देगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैश सप्लाई का जो भी वाइट लेबल ए टी एम प्रोवाइडर कंपनी है वो कैश सप्लाई जो है फ्रेंचाइजी के पार्ट में रख देती है यानी अगर आप वाइट लेबल लगा रहे हैं ए टी एम तो कैश आपको खुद से फिल करना होगा ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है लाइफ रिस्क का बात हो जाता है तो यहाँ पर क्या है कि कैश सप्लाई का पार्ट जो है कंपनी के एंड पे है कंपनी यहाँ पर कैश फिल करेगी और कैश अरेंजमेंट वगैरह सारा कुछ कंपनी करेगी ठीक है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन बिल पेमेंट ये फ्रेंचाइजी का पार्ट होगा शॉप वगैरह फ्रेंचाइजी को देना है और क्लीनिंग का ऑपरेशन का काम भी फ्रेंचाइजी को करना है ब्रांडिंग सेटलमेंट कंपनी का पार्ट होगा इंश्योरेंस और एसेट कैश ये कंपनी कंपनी का पार्ट होगा कंपनी के एंड्स और क्या क्या मिलेंगे स्पेशल सपोर्ट वो है कैश रिप्लेसमेंट एजेंसी कंपनी की होगी साइट प्रिपरेशन कंपनी का होगा मशीन डेवलपमेंट कंपनी की होगी वी सेट एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन कंपनी का होगा थ्री डी बी डिजिटल बॉक्स कंपनी की होगी साइनेज सर्विस मेंटेनेंस ब्रांड सेटलमेंट इंश्योरेंस एसेट कैश ये सारी चीजें कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी यानी वेंडर आपको करके देगा कॉस्टिंग की यहाँ पे हम बात कर ले तो ये कॉस्टिंग लगभग पाँच लाख बीस हजार रुपये पूरी इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी ये थोड़ी बहुत वेरी करेगी मॉडल टू मॉडल लोकेशन टू लोकेशन डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर तो ये जो पाँच लाख बीस हजार रुपये एक लाख बीस हज़ार रुपये आपको एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको पेमेंट करने पड़ेंगे और रेस्ट दो लाख रुपए आपको पेमेंट करे करना पड़ेगा मशीन इंस्टॉलेशन से पहले और मशीन ऑपरेशन के पहले कैश लोडिंग के लिए आपको अलग से दो लाख रुपए देना होगा मतलब ये सारे मिला के हो गए लगभग पाँच लाख बीस हजार रुपये और ख़ास बात ये है कि पूरा जो अमाउंट है पाँच लाख बीस हज़ार रुपये ये पूरा ही रिफंडेबल है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल है ऐसा नहीं कि आज मशीन इंस्टॉल हो गया कल आपने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आप रिप्लेस कर लो तो ऐसा आसानी से आपको ये नहीं मिल पाएगा ये एक लॉकिंग पीरियड होता है वहाँ तक आपको लॉक रहेगा उसके बाद आपको आपका जो आप चाहते हैं कि विड्रॉल करना तो आप एग्रीमेंट कैंसिल करके विड्रॉल कर सकते हैं अपना रिफंड वापस ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम फ्रेंचाइजी रेवेन्यू की बात कर ले तो पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपको ग्यारह रुपये मिलेंगे और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे आपको दो रुपये का रेवेन्यू है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जहाँ पे पैसे की लेन देन होती है जैसे कैश विड्रॉल कैश डिपॉजिट और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जहाँ पर Uh, पैसे की लेन देन नहीं होती है जैसे मिनी स्टेटमेंट पिन पिनचेंज बैलेंसिंग रिसेप्ट्रा एसेप्ट्रा तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे आपको ग्यारह रुपये मिलेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे दो रुपये का रिवेन्यू है अब बात कर करें तो ये रिवेन्यू पाने के लिए आपको ए मशीन का रेंट के हिसाब से पे करना होगा ट्वेंटी पर मंथ कंपनी को ठीक है इसमें आपको ए कैश ए टी एम का मेंटेनेंस होगा कैश लोडिंग होगा सर्विस वगैरह सारी कुछ इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेंगी ठीक है मतलब बीस हजार रुपये पर मंथ आपको ट्रांजेक्शन हो ना हो धंधा हो ना हो कंपनी को रेंट के हिसाब से आपको पे करना होगा अब यहां पे एक इलास्टेशन की हम बात करें तो मान लीजिए कि आप ए लगा रहे हैं और आपका डेली का सौ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इस हिसाब से सौ ट्रांजेक्शन पे ग्यारह रुपए का रेवेन्यू है तो रोज के हो गए आपके ग्यारह सौ रुपए और इस हिसाब से अगर एक तीस दिन का देखा जाए तो यहाँ पे तैंतीस हज़ार रुपये मंथ की रिवेन्यू हो रही है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर और इसमें आपको रेंट पे करना है कितना ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है हज़ार रुपये का महीने का तो आपको यहाँ पे नेट बारह हज़ार रुपये का ग्रॉस मंथली इनकम है ठीक है अगर सौ से कम आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है मान लीजिए ऐसे लोकेशन पर लगा रहे है जहाँ पे आपको लगता है कि सौ होगा कि नहीं होगा तो ये आपको पता नहीं है तो आपको ए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इतना तो चाहिए मिनिमम आपको सस्टेन करने के लिए आपको बिजनेस करने के लिए अगर सौ ट्रांजेक्शन नहीं होगा तो आपको मतलब पैसा आप मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा लॉस ही हो जाएगा ठीक है तो ऐसे जगह पर ए को लगाना है जहाँ पे पोटेंशियल हो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल कोई भी अब यहाँ पर आगे हम कुछ देख लेते हैं कुछ ए टी एम जहाँ पर इंस्टॉल हुई हैं उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको वो आप देख सकते हैं तो बेसिकली फंडा यही है कि ये एक वाइट लेवल एटीएम है जो आप लगा सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको लोकेशन प्रॉपर चूज करना है जहाँ पे एटलीस्ट ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो और दूसरी चीज़ें आप थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाहिए ताकि पाँच छः लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर पाए अगर ये दोनों आपके आपके साथ मैच कर रहे दोनों कंडीशन आपको फुलफिल कर रहे हैं आप दोनों में कंफर्टेबल हैं तो आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और वाइट लेवल एटीएम लगा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से फॉर्म को फिल कर दे कंपनी के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आपको कॉल चलाएगा दोस्तों ये रहा मेरा एक छोटा सा वीडियो एजी एस ऑनगो वाइट लेवल ए के ऊपर आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए हैव नाइस डे जय हिंद जय भारत